हेलो मेरे प्यारे भाइयों के क्या हाल है। रुपए वाली इंटरव्यू भी अपने घर पे है भाई। मैं जा रहा हूँ अभी फील्ड पे मतलब खेतों पे। दिनेश पवार हमारे दिन कहाँ कहाँ से नई नई खोजबीन ढूंढ के लाता रहता है। कल हमने बर्थडे बना लिया आकाश पवार एक्स का। अब उसके ब्लॉग चैनल पे देखना उसका हैप्पी बर्थडे। और अब मैं चलता हूँ खेत पे, आपको एक बहुत ही मस्त वाली चीज़ दिखानी। ओके जी। तो भाई मेरे सर में इतनी ताता आ जाती है ये देख के। भाई हम पे दो मुड़सा ये गल है। एक तो आकाश पवार एक्स परमानेंटली अपने साथ ले जाता है ऑफिस पे, और एक फिर बचती है वो टूटी कबाड़, उसको पिताश्री लेके डोलते हैं पता नहीं कहाँ। और अब भाई फिर गांव वाले के हैं और सब ये कहें कि ओ छोरा तो गाड़ी में ही चला है, इतनी से दूर खेत क्यार में चलने का नहीं है, मतलब फार्म तक भी जाने का नहीं है, गाड़ी में चला है, इतना बड़ो आदमी बन रहा है को। भाई हमें एक बात बताओ, मैं इस कसम से बता रहा हूँ, मैं पल्ले घर भी होया आयो, इनके पे भी दो मोटरसाइकिल हैं, उनको लग रहा है ताला लग रहा है उनके घर, और चाबी अंदर रखी है, और उनकी डिलक्स भी दिनेश लेके हांडता रहता है। अब मैं क्या करेगा मेरे जैसे आम आदमी, वो गाड़ी तो चलाएगा, मुझे खुदार का साथ है यार गाड़ी चलाने में। यार इसको निकालो कैमरा इसका फिर खराब हो गया, जिनके आरोग लगे ऊपर हो यार कैमरा में। मैं प्लान कर रहा हूँ यार एक नई बाइक स्कूटी या कुछ भी मुझे चाहिए, और पक्का चाहिए मुझे। आप 1 लाख तक का बजट मान लो, 1 लाख तक के बजट में मुझे बेस्ट बाइक बताओ, मतलब ऐसे स्प्लेंडर जैसी एकदम बेसिक भी ना हो, और आकाश के पाचे जैसी ऐसी भारी और हैवी भी ना हो, मतलब सिंपल सोबर ऐसे ठीक ठाक राइडर कैसी रहेगी। टीवीएस पर वही है, टीवीएस की एक बाइक है हमारे पास, और उसकी मुझे सर्विस ना इतनी अच्छी सही बताऊं तो भाई लगी नहीं। तो मतलब राइडर जैसी बाइक कोई और भी हो उस बजट में, 1 लाख के नीचे, कोई बड़ी हैवी मुझे इंजन वाइज भी ना चाहिए, मतलब बस ऐसे बेसिक कम्यूट करने के लिए कि मैं घर से यहाँ फार्म आ गया, अब बार बार मुझे गाड़ी लेके आनी पड़ती है भाई काम वाम करने के लिए। देखो काम कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, और खेत वेत पे जाने के लिए, मतलब उस टाइप से समझ रहे हो आप, ऐसे लॉन्ग रूट नहीं करना मुझे, तो भगानी है कुछ भी, जैसे सिंपल सोबर या फिर स्कूटी कौन सी बढ़िया है यार, एक्टिवा जुपिटर और कौन कौन सी है, मैं फसीनो तो कह रहा आ जा तुझे दिखाता हूँ। ये खड़े भाई, अरे भग गए अब तो वे, देखो ये खड़े अब तो गए वे भाई, यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं है क्या, तू भी इसने तो हमारे साथ स्कैम कर दिया, क्या था ये बताओ मेरे को, व्हाट वाज दैट। ठीक है भाई हम लेट हो गए, तो भग क्यों गए फिर, अब वो कहाँ पता होगा, और काम आध घंटा ही लगाया हो, मैं सुनने मशीन चालू करी खोली बस ऐसे घुमा के न्यो फिर चले गो भाई, वो कोई तो ड्रोन था स्प्रे वाला, मतलब एक्सपेरिमेंट जैसे करते रहते हैं ना, तो उनको खाली एरिया चाहिए, खाली इंट्री काम में भूते रहा है, देखो कोई तार तूर ऊपर कुछ कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे उड़ा रहे थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैं आप लोगों को भी दिखाता कैसा यंत्र था ये, भी मेरे को वीडियो कॉल पर दिखा रहा था, फिर मैं रोटी खाने लग गया, इतने में फिर मोटरसाइकिल ढूंढी मैंने आपको कल इस बताई पूरा, इतने में वो चले गए, बट कोई नहीं। ड्रोन में एक बात बताओ, ड्रोन में वो हो सकती है क्या फिट, वो स्प्रे करने वाली मशीन, मतलब किसान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो। ले जा परे के रहते, ये क्या हमने खाया है, ले जा इन्हें। और सही बात है यार, ये देखो भैंसों को, हाँ यार यहाँ पे फसल हो रखी है, हाँ डुलाते हैं ये, अब यहाँ पे तो मालिक खड़ा है इसलिए थोड़े से वो है, ये तो इसमें छोड़ दें क्या भरोसा, चलो अच्छे हैं यार। वैसे कमाल है, इतने सारे एनिमल्स को दो जने हैंडल करते हैं, कमाल की बात है, एक लड़का ये रहा, दो जने पूरों को कर देते हैं भाई हैंडल, वाह चला रहे हैं अपना बढ़िया। दान है चल रहा है गाड़ी लेकर, क्यों वो आपा तो कोई लकड़ी निकाट रही नगर, तो पूछी मैंने, वो तो कोई ना मिली यहाँ भाई है? कौन वाह अच्छो वे हाँ चलो आ जाओ, तू तेरी मोटरसाइकिल कहाँ है, अच्छा भाई देखो ये रखोटा जो खेल अपने न्यू ये ओल्ड। अब देखो मुझे इसलिए नहीं पसंद भाई गाड़ी लाना, देखो कहाँ मोड़ पे मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी कर रखी है, देखो अरे मोड़ है यहाँ, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, तो स्पीड में कोई छपरी लेके आता है तो ठोक देता है, अब इनको लड़ाओं को खड़ी करने की वो भी नहीं आता ना व्यवस्था। आई होप सो नाउ यू हैव गॉटन माय पॉइंट व्हाई आई नीड अ न्यू बाइक, बट जैसे फादर इस वीडियो को देखेंगे तो ही विल से टू मी यू हैव नो नीड स्ट्रिक्टली, यू हैव नो नीड अ बाइक, हमें कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, कि यह घर है भर दे इनते शोरूम बना दे इसको, वही टिपिकल ओल्ड क्लास ओल्ड स्कूल पीपल, उनको क्या पता हमको कितनी रिक्वायरमेंट है, देखो कभी चल जाता है कभी नहीं चलता। ये देखो ये कैसे हमारी लकड़ियों को ले जाती हैं चोर के, मतलब जो हमने अपने खेतों में से कटवाई थी ना
ये देखो कोई परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी, इनको ले जा रही हैं। और जो कितनी है ये हमारी लकड़ियाँ सारी है, ये देखो इनको। अब इनसे कोई लड़ेंगे गुथेंगे तो वही बात है। फिर देखो एक आदमी ना आदमी नहीं सारा है इनसे कहने को कि क्या है यार। पर चलो ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा है क्वान्टिटी में। दीपक भैया ऑलरेडी गुथ रहे हैं, देखो पूरा धन का धन आया, धन का धन। कि जाड़ी में फूकेंगे ना, ये देखो जो हमारे खेत में से कटी थी ऑफिशियली तो अपनी है ना, इतनी महंगी रही। ओके ब्रो, ओके 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 ओके। ये देखो भाई साहब, इनको परमिशन किसने दिया लकड़ी उठाने की? भाई साहब ने। नहीं, किसने परमिशन दिया आप लोगों को ये लकड़ी उठाने की? तेरे कही कही है इनते। मैं रुक जा, अभी लाइव बना रहा हूँ लाइव। तेरे कही? अरे मैंने तो वो तो ये पाई ना मेरे आगे तो फूफी, ये तो वहाँ चले गई, ये तो इन्हें पूछ ले पैसे कहाँ ही तुम, और मैं कहा कब आया हूँ मैं तो ने पूछ ले पहले कौन सी तो कौन कह रही हूँ। ये तो कोई मतलब ना है, कोई एक आध दो जनी हो मैं तो ठीक भी है, पूरा धन को धन है। आधे बाटे का भाई, आधा बाटे का सिस्टम रहता है, या तो काट दो तुम ले जाओ। हमने निकलवाई जेसीबी तो फ्री फंड में। लकड़ी की कीमत पता आपको कितनी है भाई? लकड़ी की कीमत कितनी है देखो फ्री फंड में। ये तो हम आ गए, देख लिए इनको, पकड़ लिया। देखो खामा खा इनसे मैं गुत लेता हूँ। ये ना दूसरी वो है तो ये ना फोन ऐसे कहता है हमारी वीडियो क्यों बना रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, समझ गई ना अभी? ना जांच के हमने अपनी खुद ने, मैं बता रहा हूं, पैसा लगा अब तो देख ले नौकरी लाने की ना, वहां तक की नोट आएगा जैसी भी तक घंटा के हिसाब से यहां गिर रही है। हम पागल थोड़ी हैं भाई, दे दे तो दिल करे, कोई जबरदस्ती ना है। ये तो मेरा आगे निकल कर आ रही है होते रैप तो लगा को बहने अरे मैं नहीं होता फायदा पर तेरे यहां रह लगने को तो बता ना सका तू हमें यार मेरे आगे तो ये चोरी करवा रहा हो दिन दहाड़े खुद यही रह कर और काई काम है यू तुम पुरस्कार दे मैं अवार्ड दे मैं तुम दूसरे की चीज पे हम आ जा तुम्हारे घर ले जा तुम्हारे घर से चीज खामा खाई की बात कर रहे मेहनत करके काम करवायो जेसीबी तो ठीक है तुमने काटो यू काट जा जब ले जाते काट के हम तो जब मानते की बात कोई दो चार एक हो कोई बात ना हम भी मना ना करे कुनवा कुनवा आगो पूरा गांव आधे बांटे कटवाएंगे हमने यही मारा घेर रखी है हम ना हाथ भी लगा रहे ना हम लगान दे रहे अगर वैसे भी ना तो हम अपने इन खुंटन ना जेसीबी तो ले जाएंगे बहुत तेरी हम पे जेसीबी रही घर की जब भी हमने अपने जेसीबी काज दे मशीन पानी भरने तो पहले भाई अब काम कर रहा हूं वो कहां ले नो इनते भाई अब तो बहुत लड़ाई हो गई भाई पता है ऐसे उल्ट उल्ट बोले हैं कह रहा भैया अपनी इनने बेशक धल्ले पर हमारी वीडियो वीडियो मत बना वहाँ बेशक हमारी पर मैं हमने कही ऐसा कर ठीक है एक तो चोरी कर रही है ऊपर से वो करो देखो हमें लकड़ी भाई यार ये कितने काम की होती हैं कितने पैसे से बिकती हैं ये पैसे से एम आई राइट ब्रो आई एम राइट ब्रो और भाई घर हमारे अभी हमने घर पे कही घर वाले तो ऐसे कुछ गए कि तुमने तब भी क्यों लेके जाने दी और भाई अगर हम अभी इनको नहीं कहते ना कुछ भी वो ले जा रही देखो अब तो हमने कह दी कि अब तो ले जाओ तुमने बांध बूंद के तुमने देखो ये ले जा रही ये देखो अब तो हमने कह दी ले जाओ तुम पर ऐसा फालतू बकवास कर रही है हमारी वीडियो मत बना भाई हमें बदनामी तो डर लगे तो यू कौन सा बड़ा प्राउड का काम है ना चोरी कर आपने बोला था ये कह रही थी कि भाई दिनेश ने कही थी हमसे कि ले जाओ ऐसे कर तू इन पे मेरा नाम पूछ पाता मेरा नाम को दिनेश हो तो तू अगली कहने मैं भी जानूंगी इनका नाम वो कहा पता मेरी कहा सेटिंग लगाए ये फिर कोई हुए कही है ये कोई मेरे लगो अरे मम्मी का फोन ही फोन आया जा रहा है यार जो मैं आने की बात ना आ रहा हूं जब मैंने कही ना आया था छोरी वैसी मजाक मार रही है छोरी वैसी मजाक मार रही है यार करता हूँ पर भाई दिस इज वेरी बैड यार मैं तो पानी लगा रहा हूँ कितनी देर गया बैठे तेरा आगे मैं होकर गए चलो और भाई इनने 20 मिनट के अंदर अंदर मतलब 20 ये तो ये खेत भर रहा है यहीं पे था ये अभी ना भर रहा है तो ये वहाँ ड्रोन देखने चला गया इतने में तो 20 मिनट के अंदर अंदर सब रेन ने बांध बूंद के ये देखना किस पर छटाई हो रही है इनकी है हम बाहर ना कर सके भाई इतने में तो लेगी लकड़ी इनने फूकने के नहीं आ और हम नहीं आते इनको सह मिल जाती तो कल ये सारी गायब थी यहाँ से भाई ये देखो किसान भाई के कांटे निकल गए और यार जो हमने खेत बनाए थे ना इतनी मेहनत करके यार इनमें गेहूं नहीं हुए यार वो इनो कीले जो मैं बता रहा था ना किसी में भी नहीं हुए मैं दिनेश भाई से पूछवाता हूँ चलो मैं भी जरा मिट्टी मजा ले ही लेता हूँ वैसे भाई साहब
काटने लग जाए आराम से। देखो ये खेत भी बनाया था, इसमें भी आप देख रहे हो कहीं कहीं गेहूं है, कहीं कहीं नहीं है, क्योंकि पहली बार है ना। ये देखो जो पहले से ही बुब तैयार है, इनमें हरियाली लगी मार रही है, पानी आगे पढ़ाने के नहीं यहाँ तक भाई साहब। वो ठीक है, इस खेत में वो क्यों नहीं हुआ यार गेहूं, कितनी मेहनत करी थी यार हमने, जेसीबी से उखरवाया, कंप्यूटर गोड़ी, पानी लगाया, परेव करी, फिर बोया। जो मैं इस खेत की बात कर रहा हूँ, जो ये बोरा खेत जो ये इसमें मेरा खर्चा ना, गेहूं और डीएपी और जुताई वुताई सब 50,000 खर्चा। बताओ यार, तब भी कुछ नहीं हुआ? जब भी कुछ नहीं हुआ, नौ के नौन में कुछ भी ना हो, नौ के नौन में दो और तीन की लान में हुए, छह में ना हुए, वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया। अभी हम पानी भी ना देगा इनमें, दूंगा पैसे लास्ट आपका और देख रहा हूँ, लिख जा तो ठीक है, ना लिख रहा कोई बात नहीं। या मैं एक बार और मशीन बो के देख ले, पानी भर के जब जब देखेंगे मशीन चला। वो ये इतने दिन से कीकर खड़ी थी, अब एकदम बो देंगे ना, बहुत परेशान आगे। कम से कम जेसीबी तक कीकर पीकर सब खरवाए, टैम पैन कंप्यूटर गोड़ी, कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्चा लगा। ना गाड़ी की बात ना यार, वैसे कह रहा हूँ फिर भी 3 साल में आपने 60,000 चला दी भाई, साल में 20,000 का हिसाब लगा के देख ले। एक और चीज दिखाता हूँ, 24 आने वाली है, अब बताओ 60,000 किलोमीटर चल गई हमारी गाड़ी, 60,000 किलोमीटर एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अब मतलब मेन चल पे सोचा कि मैंने कि ये क्या है, मेरे को 60,000 पे खेत पे लाया नहीं मैं भाई, इसकी वीडियो बनाऊं क्या, आन दूं क्या मेन चैनल पे 60,000 किलोमीटर फुल रिव्यू, बताओ क्या कहते हो गाड़ी के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है सेल्टोस। इसको मेरे ख्याल 3.5 साल हो गए। 60,000 क्यों, जो निकू भाई है ना हमारे, वो लेके गए थे, उसने लिगाड़ दिया इतनी गाड़ी, तो उन्होंने ज्यादा चला दी थोड़ी, वही तो कह रहा हूँ मैं। और एक सर्विस तो हमारी इसकी नहीं गई, जब भी फिर ये दोबारा करानी, अब हाँ भाई धुआं फेंकेगी और जिम्मेदारी है इसकी, आप ये देख लो जाड़े आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल धुआं फेंकेगी भैया, दिन इसने कह दिया है तो। अब चलो ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ फिर, ठीक है चलो, ओके जी, थैंक यू।